हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ और क्लीन लुकिंग बैनर्स अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और आप इनको अपनी वेबसाइट्स वगैरह में और डिस्कॉर्ड में भी अपने आप ऐसा बैनर यूज कर सकते हैं। मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा, शुरू में वीडियो को छोटा ही रखूंगा ताकि मतलब आप लोगों के लिए आसानी हो, और सिर्फ इतना सकूंगा कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत लगती है ये ढूंढने में कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज करूँ जो ये बैनर और अच्छा लगे वगैरह वगैरह। तो या बाकी सारी फाइल्स वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, ये ट्यूटोरियल क्योंकि मैं अब फोटोशॉप पे देने लगा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको फोटोशॉप डाउनलोड कहाँ से करना है। उसके लिए आपको सिंपली अपने ब्राउजर पर चले जाना है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है, या फिर अगर आपकी ये वाली वेबसाइट ऐसे ओपन नहीं भी होती तो आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है गेट इनटू पीसी, और यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर आपको आ जाना है और इधर आपको यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना है फोटोशॉप 2019, और जो ये वाला पैकेज है, ये वाला बंडल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड के कई बटन मिलेंगे लेकिन आपने इनको क्लिक नहीं करना है। जब आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड 64 बिट, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है। यहाँ पर योर रिक्वेस्टेड फाइल इज़ ऑन द वे, यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है। जब ये इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा तो मैं इसको सिंपली इंस्टॉल कर लूँगा एडोब फोटोशॉप को, वो आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं अगर आपको कोई इशू है। या अब चलते हैं अपने मेन बैनर बनाने वाले प्रोसेस की। राइट, तो अब फोटोशॉप आपने इंस्टॉल करने के बाद लॉन्च कर लिया होगा। यहाँ फोटोशॉप में आने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लीन विंडो नज़र आएगी। यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, ये सारी फाइल्स वो हैं जिन पर मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ बला बला। अब आपको यहाँ पर सिंपली क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है, जिससे आपको ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा जहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको किस साइज़ की फ़ाइल चाहिए। अब अगर आपको अपना वो लोगो बैनर बनाना है चैनल का, सो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ वेब में, और iMac 27 को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। या फिर आप सिंपली रीसेंट के ऊपर जाएं जो नॉर्मल होता है, और यहाँ पर आपको ये वाली ओरिएंटेशन टाइप करनी है 2560, और यहाँ पर यही वाली 1440, ये वाली ओरिएंटेशन आपने टाइप करनी है, मतलब 2560 पिक्सल्स विड्थ होगी और 1440 पिक्सल हाइट होगी। आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दें, अगर आप अपने चैनल का बैनर बना रहे हैं तो यही लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये इंचेस में ना हो, ये यहाँ पे पिक्सल्स में होना चाहिए, और इसकी ये वाली ओरिएंटेशन और रेजोल्यूशन आप इसका ना छेड़ें, जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दें, 72 कर दें अगर आपका 60 या कुछ हो। यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ऑलराइट, तो अब हम आ चुके हैं अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर जहाँ पर अपना बैनर का सारा हम काम करेंगे कि जो बैनर वगैरह बनेगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपने बैनर को बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल्स मिलेंगी आपको वो डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर मैं अपनी वो वाला इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। कोई भी फाइल आपको लाने के लिए यहाँ ओपन के ऊपर क्लिक करना है, और जो मेरी फाइल है वो मैं यहाँ से इसके अंदर ले आता हूँ। ये फाइल है जो मुझे चाहिए, इसको यहाँ से मैंने ओपन किया, और यहाँ पर ये वाली एक विंडो है और ये दूसरी विंडो है। ये वाली फाइल इसने दूसरी विंडो में ओपन कर दी, हमें इसको इस वाली विंडो में लेकर आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दबाएंगे माउस को यहाँ से और इसको नीचे को ड्रैग करेंगे, जैसे ये विंडो हमारी इसके ऊपर आ जाएगी। हमें अब इसको होल्ड करना है और यहाँ पर ला कर इसको छोड़ देना है, और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद हमें इसको यहाँ पर रखना है दरमियान में, और Ctrl+T अपने जो कीबोर्ड है उसके ऊपर आपको दबाना है Ctrl+T, और उससे आपका ओपन हो जाएगा ये इसको रीसाइज करने का ऑप्शन, जिससे आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक रीसाइज कर सकते हैं, और उसको आप यहाँ पे पूरे के ऊपर कुछ इस तरह से कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेक्स्ट ऐड करेंगे जिस भी नाम का हमने अपना टेक्स्ट डालना है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा अपने दोस्त का नाम, उसने मुझे कहा था कि ट्यूटोरियल बना ही रहे तो मेरे नाम का बना दो, मेरे काम आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो ओके, तो ये मैंने उसका नाम लिख लिया। जब आपने ये नाम लिखना है तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसका जो स्टाइल है उसको आर्क के ऊपर करके इसको आपको कर देना है नियरली अराउंड 7, ताकि थोड़ा सा टिल्ट इसमें अच्छा लगे। और इसको यहाँ से पकड़ के आपको टेक्स्ट के ऊपर भी Ctrl+T दबाना है। जब भी आपको कोई फाइल बड़ी करनी होती है फोटोशॉप में तो आप Ctrl+T ही दबाते हैं, और यहाँ से अब हम इसको ड्रैग कर लेंगे जहाँ पर ये हमें परफेक्ट लगे, ये सेंटर में आ चुका है। ओके,
सो अब मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आ चुका है। अब अगर आपको लगे कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर साइड पे देखें ये जूम का टूल है, आप इसको दबा दें, यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करें और इसको यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं बार बार, जिससे जूम इन हो जाएगा। तो इतना मेरे ख्याल में सही होगा। और अब हमें क्या करना है, अब अगर इसका कलर आपको चेंज करने का दिल हो सो इसके ऊपर आपको इस तरह से टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाके इसके ऊपर इस तरह से आपको कर देना है सिलेक्ट इसको, और यहाँ से इसका कलर आप सिंपल चेंज कर सकते हैं। जैसे अब कलर मुझे इसका रेड रखना है, थोड़ा सा इसको मुझे लाइट कर देना है यहाँ से। सो ये कलर अब इसका यहाँ पर आ चुका है। इसके ऊपर प्रेस करेंगे हम कंट्रोल प्लस जे, या फिर कंट्रोल प्लस जे ना भी दबाएं, यहाँ पर आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, जो अपने टेक्स्ट है इसके ऊपर राइट क्लिक और डुप्लीकेट लेयर इसके ऊपर क्लिक करके टाइटन केजी कॉपी इसको ऐसे नाम रहने देना है, और अब इसका भी कलर सिलेक्ट कर लेना है। उसके लिए आपको दोबारा टेक्स्ट वाले पे जाना है, इसके ऊपर दोबारा से हमें सिलेक्ट करना है, और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा हम डार्क करेंगे, थोड़ा सा डार्क कलर आई गेस इतना काफ़ी होगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर पहले कुछ ऐसा था और अब इसका कलर ऐसे हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो डार्क वाला है उसको ब्राइट वाले के नीचे ले आएंगे, ये हमने उसको पकड़ा और ये नीचे ले आए, अब ये लाइट वाला ऊपर चला गया और डार्क वाला नीचे चला गया, अब ये इसको बिल्कुल नीचे इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम डार्क वाले के ऊपर रखेंगे अपना सिलेक्शन, और अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके हम जो डाउन एरो की है उसको दबाएंगे, जिससे कि ये नीचे को आएगा, और अपने अकॉर्डिंग इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे जितना कि हमें चाहिए हो, मेरे अकॉर्डिंग इतना काफी है, इतना बहुत है। अब यहाँ पर अगर आपको लगे कि कहीं से ये सही नजर नहीं आ रहा, अब जैसे कि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी नहीं, यहाँ से ठीक है, इधर से थोड़ा सा मुझे खराब नजर आ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा लेसो टूल के ऊपर और इधर से मैं इसको कट कर दूंगा जितना मुझे पोर्शन इसका नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो अब हमने इसको अपनी मर्जी के मुताबिक नीचे को ड्रैग कर लिया है कि जितना हमें ये नीचे अच्छा लग रहा था। सो अब ये कर लेने के बाद हमें क्या करना है कि अगर कोई हिस्सा हमें अच्छा नहीं लग रहा, जैसे अब ये ए का जो शेडो है इसके साथ मैच हो रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना है नीचे वाले के ऊपर ही, जिसको हमने नीचे किया अभी, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन रेस्टराइज टाइप, ये मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, और अब आपको यहाँ पे लेसो टूल के ऊपर जाके जो पोर्शन नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देना है। अब जैसे मुझे ए का ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा ऐसे सिलेक्शन बना के बैक स्पेस कीबोर्ड के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर आके सिंपल कहीं पे भी क्लिक कर देना है, जैसे सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, ये हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर हम कोई और भी ऐसा पार्ट देख लेते हैं जो कि हमें नहीं सही लग रहा, तो इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के बाद ये इसका थोड़ा सा लुक निकल कर आया है। ऑलराइट गाइस, तो अब इतना कर लेने के बाद आपको जाना है इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, यहाँ पर राइट इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है ग्रेडियंट ओवरले में, आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर जाना है और इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है ब्लैक टू वाइट, ये आपका डिफॉल्ट कुछ भी हो सकता है, आपको इसको ब्लैक टू वाइट सिलेक्ट करना है, और बाकी ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ओपेसिटी के साथ हम इसका थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हैं, और इसका ये जो ब्लेंड मोड है इसको वही रहने देना है जो कि ये ऑलरेडी है, आपका ये नॉर्मल पर होगा, आपने इसको नॉर्मल से कर देना है सॉफ्ट लाइट पर। तो इतना करने के बाद आपको जाना है बेवल एंड एम्बोस के ऊपर, आपको ध्यान रखना है कि टेक्सचर या कंटोर इनेबल ना हो या डिसेबल ही होने चाहिए, सिर्फ बेवल एंड एम्बोस के ऊपर जाना है, और आपको ये वाली सारी सेटिंग्स जो है कॉपी कर लेनी है, ये आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सारी सेटिंग्स को कॉपी कर सकते हैं। सो यहाँ अब इतना कर लेने के बाद आपको ये करना है कि जो आपका टेक्स्ट वाला फाइल है जितना भी अभी तक आपने किया है, इसके अलावा जो इन दोनों फाइल हैं आपने शिफ्ट होल्ड करना है अपने कीबोर्ड के ऊपर, शिफ्ट को प्रेस करना है, और जो दोनों फाइल हैं उनके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, जिससे कि ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद और आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करके कंट्रोल प्लस जी, जिससे ये ग्रुप के फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस जे दबाना है, या फिर आपको सिंपल इसको डुप्लीकेट कर लेना है, यहाँ पर डुप्लीकेट ग्रुप, और आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई दबाना है, जिससे ये एक इमेज के फॉर्म में आ जाएगा। तो इतना करने के बाद वो आपने ग्रुप के नीचे ले आना है, यहाँ पर इस ग्रुप के नीचे, और आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल होल्ड करना है, और इसके ऊपर जब आप अपना लेकर जाएंगे माउस कंट्रोल होल्ड करके, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जिससे ये इसकी एक सिलेक्शन बना देगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है मॉडिफाई, और यहाँ पे आपको जाना है एक्सपेंड, और इसको आपने एक्सपेंड कर लेना है। मेरा इसको मेरा आपको मशवरा यही कि आप इसको 13 पिक्सल्स एक्सपेंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे ये जान बनेगी इसकी, मतलब ये बहुत प्यारा लगेगा इससे। तो इतना करने के बाद आपको इसको फिल करने के लिए अपने जो कीबोर्ड है उसके ऊपर कलर सेलेक्ट करना है, मेरे अकॉर्डिंग इसका कलर थोड़ा सा डार्क अच्छा लगेगा, उसका कलर आपको डार्क ही रखना है,
तो इसका कलर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप चाहें तो सिंपल यहाँ से कलर कोड कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं ताकि आपका बिल्कुल सेम बने। अगर आप चाहते हैं कि कलर बिल्कुल सेम रहे तो जो भी कलर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा वो आप यहाँ से कलर कोड देख कर कॉपी कर सकते हैं और वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं फोटोशॉप में। अब जैसे कि ये वाला कलर कोड है मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, उसके बाद मेरा कोई भी कलर यहाँ पर है मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था, तो उससे मेरा वही वाला कलर आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब इतना हो गया। और जब आपने इसको कर लिया तो आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा देना है और इतना करने के बाद आपको अपने एक सिलेक्शन में जाके सिलेक्शन को रिमूव कर देना है, जिससे कि आप देख सकते हैं कितना ये प्यारा सा इफेक्ट इसके ऊपर आ चुका है। अब आपको जाना है इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर ताकि इसको थोड़ा सा हम और इन्हेंस कर सकें। आपको जाना है ड्रॉप शेडो पर और ड्रॉप शेडो में आने के बाद आपको इसका जो स्प्रेड है उसको कर देना है 100% और इसका जो ब्लेंड मोड है उसको आपको करना है नॉर्मल पर और जो इसका ये कलर है ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होना चाहिए जो कि अभी हमने रेड किया है, तो इसको मैं यहाँ पे इतना डार्क कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है। इसके स्प्रेड 100 पे आप इसके साइज़ के साथ थोड़ा सा मैसअप हो सकते हैं कि इसका साइज़ आपको कितना करना है। आई थिंक इसका 5 अच्छा रहेगा डिस्टेंस और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं इतना। इतना ही हमने इसको कर लिया है साइज़ को कवर अप। इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शंस में दोबारा जाना है, मैंने गलती से इसको ऑफ कर दिया। आपको यहाँ पे जाना है बेवल एंड एम्बोस, जो आपकी पहले वाली सेटिंग्स होंगी वो यहाँ पे ऑलरेडी होंगी जो आपने पहले इसके ऊपर ऐड किया था। आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है और यहाँ से आपको ओके प्रेस करना है। तो अब आता है सबसे मज़े का पार्ट जो कि मेरा फेवरेट है। आपको सबसे पहले इसका जो इफेक्ट है इसको यहाँ से बंद कर लें। आपको ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है यहाँ से ग्रुप को। ग्रुप के ऊपर आपने रखना है कोई मतलब ग्रुप के अंदर कंटेंट के ऊपर नहीं, सिर्फ ग्रुप के ऊपर। और यहाँ से आपको एक नई लेयर बना लेनी है जो कि यहाँ पर बन जाएगी इस जगह पर। अगर यहाँ पर ना बने कहीं और बने तो आप इसको खींच कर यहाँ पर ग्रुप के अंदर ही ऊपर ला सकते हैं। अब ये यहाँ पर बन चुकी है। आपको यहाँ पे जाना है, अपने कीबोर्ड के ऊपर पी दबाना है या फिर आप सिंपल यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको यहाँ से ऐसे लाना है और इसको यहाँ से होल्ड करके वेट जो इसका यहाँ से डिलीट पाथ सबसे पहले थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि ये हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम ना करें। जितना हम चाहें उतना आ जाए। इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके जूम इन कर लेता हूँ। ओके, अब जाना है पेन टूल के ऊपर और एक इसका मुझे यहाँ पे निशान है लगाना है निशान और दूसरा मुझे यहाँ पे इसका पाथ क्रिएट करना है कुछ ऐसा। ऑलराइट, तो उसके बाद मुझे इसको यहाँ से इसके साथ मिला देना है और यहाँ पर मुझे इसको करना है फिल पाथ कलर और इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और जो इसका कलर होना चाहिए वो इस वाले से भी ज़्यादा डार्क होना चाहिए जो कि अभी हमने सबसे एंड पे लगाया है। तो इसका कलर मेरे अकॉर्डिंग इतना सही रहेगा। आप यहाँ से कलर कोड कॉपी भी कर सकते हैं अगर आप रेड में बना रहे हैं। अगर आप कोई अपना कलर बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों को भाई जेम्सी भाई ये क्या कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको आना है क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर, जिससे ये सिर्फ इसके ऊपर रह जाएगा इसका इफेक्ट। और जो इसका पाथ है इसको हम कर देते हैं डिलीट, थोड़ा सा जूम इन दोबारा से कर लेते हैं। और अब आपको दोबारा से कंट्रोल प्लस जे दबाना है या फिर इसकी आपको डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है जो कि इसकी डुप्लीकेट होगी। तो इसका भी लेयर मास्क अगर इसका लेयर मास्क डिसेबल्ड होगा जो कि डिसेबल ही होगा क्योंकि अगर आप मेरे यहाँ पे सेटिंग ऐसी है कि ये लेयर मास्क अगर मैं करूँगा कॉपी तो उसके साथ ही आएगा। आपको इसके ऊपर ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर कर देना है या फिर आप उसका सिंपल यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे वाले को हाइड करना है और जो ऊपर वाला है उसके ऊपर आपको अपना सिलेक्शन रख के इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है इसको यहाँ से कर देना है सॉफ्ट लाइट के ऊपर। सॉफ्ट लाइट के ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है इरेजर पर और इरेजर की आपको यहाँ पर सेटिंग्स कर लेनी है कॉपी। हार्डनेस इसकी 2 सेट है मेरी और साइज़ इसका आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली मेरी इरेजर है। और अल्ट, अब आपको बताता हूँ कि इसका साइज़ आपने कैसे सिलेक्ट करना है। साइज़ सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है अल्ट और अपने माउस के ऊपर क्लिक करना है राइट क्लिक। और जब आप अपने माउस को आगे पीछे करेंगे तो इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट हो सकते हैं। अपने माउस को आप अप एंड डाउन करेंगे तो इसकी हार्डनेस चेंज होगी और अगर आप थोड़ा सा इसको साइड वाइज मूव करेंगे तो इसकी वो चेंज होगी कि आप इसको कितना करना चाहते हैं साइज़। हार्डनेस इसकी मैंने बिल्कुल 0 पे कर दी है और अब मैं इसको साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा
इरेज करता हूँ। अभी इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इसके ऊपर हम दूसरा वाला करेंगे तब नज़र आएगा। इतना ही इसके ऊपर बहुत है। अब हमें दूसरे वाले को जो हमने हाइड किया था उसको शो करना है, और यहाँ से इसकी हमें ओपेसिटी को कर देना है हार्ड लाइट। और हार्ड लाइट पर करने के बाद आपको वही वाली इरेजर पर जाना है, और आपको इसको थोड़ा सा आराम आराम से रिमूव कर देना है, ऐसा कि ऐसा लगे जैसे दरमियान में एक आर्क बना हुआ है इसके इफेक्ट का। तो इतना कर लिया हमने, इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। इसका कोई प्रेफरेंस नहीं है कि अगर आप इतना करेंगे तो ऐसा लगेगा, इतना करेंगे तो ऐसा लगेगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, आपका वर्ड क्या है उसके हिसाब से आपको कैसा लग रहा है। अब जैसे कि मुझे लग रहा है कि मैंने इसको ज़्यादा ही कर दिया, तो मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल प्लस जी दबाऊंगा, जो कि अंडू होता है, मतलब जो मैंने किया वो एक बार पीछे हो जाएगा। इसको बार बार दबाऊँगा, जैसे कि इतना हो गया। अब मैं इसको दोबारा से करूँगा आराम आराम से। ओके, तो इतना इफेक्ट मैंने बना लिया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा हार्ड करना है तो आप इसको ज़्यादा हार्ड कर सकते हैं, सॉफ्ट करना है ज़्यादा सॉफ्ट कर सकते हैं, नो मैटर। सो अब ये हो चुका है अपना। ओके गाइस, तो यहाँ तक अपना जो आधे से ज़्यादा काम है वो डन हो चुका है। तो गाइस यहाँ तक आने के बाद अपना आधे से ज़्यादा काम जो वो डन हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली इसको अपने ग्रुप को ओपन करना दोबारा से, और जो आपका मेन टेक्स्ट था, मैंने लेयर गलती से क्रिएट कर दी थी, आपका जो ये टेक्स्ट है इसको आपको कॉपी करना है, जिसके ऊपर आपने ये इफेक्ट ऐड किया। नीचे वाला नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, और इतना करने के बाद आपको करना है कि कंट्रोल प्लस जे एंड कंट्रोल प्लस ई, जिससे कि एक इमेज की फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपको कंट्रोल प्रेस करना है, और जिससे कि सिलेक्शन बन जाएगी। फिर आपको दोबारा से जाना है सिलेक्ट मॉडिफाई, पिछली बार आपने एक्सपेंड किया था, इस बार हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर अकॉर्डिंग 3 pixels सबसे ज़्यादा सही है। इतना करने के बाद आपको सिंपली अपने कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस दबा देना है, या फिर आप इसको सिंपली इसके साथ इस तरह रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे पास बन चुका है। अब हम इसके ऑप्शंस में जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में। सबसे पहले हम एक ड्रॉप शैडो देंगे, और इसका जो कलर है वो हम करेंगे सॉफ्ट लाइट, और स्प्रेड जो है हम इसका कर देंगे बिल्कुल 0। साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पे बिल्कुल इस जगह पे हल्का सा एक ग्लो मिल रहा है। डिस्टेंस के साथ हम छेड़खानी करेंगे ताकि हमें बिल्कुल परफेक्ट मिल जाए। 4 बिल्कुल सही है, और जो साइज़ है उसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना साइज़ इसका ओके है, तो इतना साइज़ ओके है कि इसके जाएंगे हम आउटर ग्लो के ऊपर, और जो इसका कलर है एक प्यारा सा रेडिश कलर इसका हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि एज अ ग्लो इसके ऊपर दिखेगा। और इसका ये जो सारी सेटिंग्स हैं इनको आपको ऐसे ही रहने देना है। आप इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको ग्लो चाहिए। मैं चाहता हूँ बिल्कुल ही थोड़ा सा ग्लो हो, ज़्यादा ग्लो हो इसके ऊपर अभी हम नहीं ऐड करेंगे। ओके, सो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कॉपी कर लें, इसकी ओपेसिटी को आप अपनी वजह से सिलेक्ट कर लें, और अपना जो ये स्प्रेड वगैरह है इसको आप बिल्कुल 0 पे ही रखें। इसके बाद आपको जाना है बेवल एंड एम्बोस, और एक बार फिर से आपकी जो पहले वाली सेटिंग है उसके ऊपर आपने वो ऐड कर देनी है। अब आपको जाना है इसी के ऊपर, आपको अपनी सिलेक्शन रखनी है, और इसकी आप जो ब्लेंडिंग मोड है उसको आपने स्क्रीन पर सेट कर देना है, जैसे कि आगे हमें आसानी हो इस पर और मज़ीद काम करने में। ये था अपना सारा मेन काम जो कि हमने डन कर लिया है। अब एक फ़ाइनल इसके ऊपर जो चीज़ थोड़ा सा हम कर सकते हैं वो ये है कि हम इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करेंगे, और बी से ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इसकी जो ये ओपेसिटी, उसको सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम जो ग्लो है उसको ऐड करेंगे अपने अकॉर्डिंग जितना चाहिए, और इरेज टूल की मदद से साइडों पर से ग्लो हटा देंगे, और जो ग्लो हमने ऊपर ज़्यादा ऐड कर दिया उसको भी हम यहाँ पर अपनी मर्जी से। आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा, या फिर आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा जो मेरे चैनल का पर्सनल बैनर है, ये वाले बैनर्स जो हैं वो इस बैनर से ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि उनका जो कलर था वो ऑरेंज और पर्पल थोड़ा सा, मतलब ऐसा कलर था कि जिसके ऊपर ग्लो वगैरह साफ नज़र आए। अब मुझे इस अपने मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे ये थोड़ा रेड थीम में चाहिए, तो मैंने ये इसलिए बनाया है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा उस टाइप के कलर में बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो या गाइस, जो मेन अपना काम था वो डन हो चुका है। अब जो इसका आगे वाला काम है वो है अपने चैनल के बैनर से रिलेटेड। ये तो हमने टेक्स्ट अपना क्रिएट कर लिया, जो अपने चैनल के ऊपर बैनर इस तरह गंदा सा शो तो नहीं हम कर सकते, सिर्फ टेक्स्ट। तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, आपको उसको यहाँ से ओपन कर लेना है, या आप देख सकते हैं कि ये इतना प्यारा सा इसका बैकग्राउंड है।
इसको आपने यहाँ से इसके ऊपर दोबारा से ड्रॉप करना है, जो कि मैंने आपको तरीका बताया। थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे ताकि हमें सारा नज़र आए। कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे, इसको पूरा यहाँ तक ले आएंगे। ये यहाँ तक कितना हो चुका है अपना, इसको हम ले जाएंगे सबसे नीचे और ये ब्लैक वाले के ऊपर ही रहना चाहिए फिर भी। और अब आप कहेंगे कि ये इतना प्यारा नहीं लग रहा, मतलब बैकग्राउंड के साथ ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट काम बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए, जैसे मेरे बैनर के अंदर बैकग्राउंड यही वाला ऑरेंज में है, तो इसका कलर चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में जाना है और यहाँ यूएन सैचुरेशन, अगर आपको ये वाला एडजस्टमेंट वाला यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो उसके लिए आपको यहाँ विंडोज़ में जाना है, और ये एडजस्टमेंट वाला अगर आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। आप यहाँ पे यूएन सैचुरेशन इसके ऊपर ऐड करना है और इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क आपने लगा लेना है, ऐड क्लिपिंग मास्क, ताकि ये बाकी नीचे के ऊपर असर ना करे, सिर्फ इतने के ऊपर ही रहे। और इसको यहाँ से आप अपना कलर अपनी मर्जी सेलेक्ट करें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसको कलराइज कर देना है, जिससे इसका पूरे का कलर चेंज होगा। और अब मैं इसका जो कलर है यहाँ पे रेड कर दूँगा जितना मुझे चाहिए। ओके, सो मैंने अब इसके बैकग्राउंड का कलर भी सिलेक्ट कर लिया है, तो अब अपना ये जो बैनर है ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। फिक्र ना करें, जब आप इस बैनर को लगाएंगे तो आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर ग्रे है, ये शो नहीं होगा, सिर्फ आपका इतना हिस्सा जो कि आपका ये वाला हिस्सा है जो लाइन है, सिर्फ इतना अंदर जो भी हिस्सा होगा ये शो होगा। तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसको सेव करने के लिए फ़ाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ फाइल एक्सपोर्ट, और इसको यहाँ पे जो एक्सपोर्ट एज के ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपका फाइल खुल जाएगा कि आप इसको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। तो जो मेरा प्रेफरेंस है वो है PNG या फिर JPG, जो ज़्यादा मुझे मैं प्रेफर करूँगा वो है PNG, कि ये थोड़ा ज़्यादा मतलब कर देता है फाइल को, और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है इसको आपने ऑन रखना है, और इमेज साइज़ वगैरह आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है, और फिर ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ सेलेक्ट रखना है। तो मैं इसको यहाँ पर रख लूँगा, जो कि मेरा थंबनेल्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर ऐसी मेरी चार चीज़ें पड़ी होती हैं, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लूँगा। और यहाँ मैं इसको सबसे रीनेम कर लूँगा, और यहाँ मैं इसको सेव का बटन प्रेस कर दूँगा, और ये अपना सेव हो चुका है। ऑलराइट गाइस, मैंने इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना छोटा बनाने की कोशिश की है, बट ये इतनी ही बनी है। सॉरी अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर ये तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो। और अगर ये इस वीडियो को देखकर तुम अपना बैनर बना रहे हो तो मुझे ज़रा कमेंट्स में बताओ कि तुम किस कलर में बना रहे हो, तुम्हारा फेवरेट कौन सा कलर है। और एक और बात जो कि मेरे ख़ास सब्सक्राइबर्स के लिए, अगर आप लोग ये नहीं बना सकते किसी वजह से तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो और मुझे पर्सनल DM कर दो, मैं आपको वहाँ पर बना दूँगा बैनर फ्री में। सो या अब मैं मिलूँगा आपको किसी ऐसी और वीडियो में, और थोड़े बहुत आइडियाज़ नीचे कमेंट में दे दिया करो। सो या गाइज, बाय बाय, सी या।